नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है बॉलीवुड के सदाबहार सितारे सलमान खान की। सलमान जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया सर, थैंक यू। और एक बार सोच रहा था मैं जी सर कि एक फिल्म मैंने देखी थी और उसका एक पत्रिका भी पढ़ी थी जी सर, उस तरह की वर्ल्ड के जो 10 सुंदर व्यक्ति हैं जी सर, उसमें से कहीं आप पांचवें छठे नंबर पे होंगे। सर वो पिछले जन्म की बात करें सर, पिछले जन्म फैंस ने वोट किया था और उस वक्त फैंस की ताजा कुछ थोड़ी सी कम थी। अगर अब वो वोट लिया जाएगा तो कुछ मामला डिफरेंट होगा सर। अब तो नंबर वन हो जाएंगे ये सर। आमिर नंबर वन होगा सर। आमिर होगा। पर एक बात और भी जलसी होती है कि देखो सबसे सुंदर व्यक्ति और दुनिया की सबसे सुंदर कन्याएं भी उसके आगे पीछे जी सर। तो आपको कैसे पछता है सर? पच जाता है सर। सभी लाइफ है सर, ये लाइफ चोजन लाइफ है सर, और ये लाइफ मैंने डिसाइड नहीं की, ऊपर वाले डिसाइड की ये लाइफ मेरे लिए, तो अब ये है तो अब ये है सर। तो ये सब पर आप जितने सीरियस लग रहे हैं, क्योंकि आपके इतने सीरियस आपको प्रोजेक्ट किया जाता है, सलमान खान सीरियस व्यक्ति हैं, सलमान खान लड़ाके हैं, गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, पर आपकी फिल्म इतनी अच्छी है, कई बार बड़ी जल्दी आता है तो कॉमेडी आपकी आ जाना चाहिए था। बीवी नंबर वन और आपकी अपनी फिल्म में कॉमेडी, वो जो आपका एक रोल है कॉमेडी का जी सर, जो आप हंसमुख हैं, मिमिक्री करते हैं, पर्सनल लाइफ में भी दोस्तों के साथ जब घूमते हैं अच्छा अच्छे बस करते हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है आपकी लाइफ का, पब्लिक परसेप्शन और जो रियल शाहरुख सलमान खान जो हमारे सामने बैठे हैं जी सर, आप सीरियस लग रहे हैं सर। हाँ नहीं सर, कोई सीरियस नहीं सर। क्या सर के कॉमेडी इंटरटेनमेंट ये सब पिक्चरें इसलिए करता हूँ सर क्योंकि इतनी गुर्बत है, इतने प्रॉब्लम्स हैं लोगों के पास, और ताकि जब वो 2.5 घंटे की पिक्चर देखने जाएं वो और डिप्रेस ना हो, तो उसमें हर चीज़ थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा कॉमेडी, थोड़ा सा लेसन हमारे सभ्यता में यू नो रहने का, एक हमारे कल्चर में रहने का एक लेसन, एक और फिर उसमें थोड़ा सा एक्शन भी आ जाता है, तो एक पूरा पैकेज आ जाता है। तो अगर ये पिक्चर बहुत ज़्यादा चली भी नहीं तब भी एक ऐसा लगता है कि जो हमने मेहनत करके जो पैसे कमाए हैं उसको खर्च करने में हमको कोई तकलीफ नहीं हुई, एक देख के आगे ठीक ठाक पिक्चर। नहीं अब तो फिल्मों का सलमान खान और जो प्रैक्टिकल जो सलमान खान मेरे सामने बैठा है सेम है सर, वही है सर, जैसे मैं अभी हूँ वैसे मैं अपनी फिल्मों में भी हूँ। वहाँ तो इतनी लड़ाई वड़ाई कहाँ करते हैं, लोगों को मारते पिटाते तो नहीं है वहाँ पर, भी एक्शन होता है सर। इनफैक्ट सर रियल लाइफ में झगड़े नहीं हुए सर, ये तो सिर्फ एक हवा फैला दिया कि गुस्सा बहुत जल्दी आता है और टेम्पर शॉर्ट टेम्पर है, और आता भी सबको आता है, आपको भी आता होगा। नहीं तो वही कह रहा हूं, आपने इतने सारे प्रोग्राम किए हैं और कितने लोगों को यहाँ इस सीधी बात पे भी गुस्सा आया है, तो बट ऐसा नहीं सर, इट्स लेकिन चलो ये इंप्रेशन है तो अच्छा है। नहीं पर आपके जो पर्सनल लाइफ के बारे में जो प्रोजेक्ट किया जाता है, मेरे को लगता नहीं कि बाकियों की लाइफ कुछ आपसे अलग हो, लेकिन प्रेडिक्ट करता कौन है सर? नहीं जो मीडिया हमारा मैं मानता है मीडिया ही करता है, पर मीडिया के पास कुछ चीजें होती हैं, जब तक धुआं निकलता तभी है जब कहीं आग लगती है, पर उसमें ये होता है कि ये सब प्रॉब्लम बाकियों के बारे में भी होती है। सलमान खान ही क्यों इतना हाईलाइट हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जेलसी है? क्योंकि सर मैं किसी चीज पे रिएक्ट नहीं करता, इतनी चीजें मेरे बारे में लिखी गई है एक उनके ऊपर कहाँ रेख करता हूँ सर मैं, क्या लिखे लिखे जो उनकी मर्जी वो लिखे। पर ये तो ना क्योंकि जब सलमान खान शुरू किए ऐसे अच्छे अच्छे गाने गाए, पहली पहली बार प्यार होता है, वो एक रोमांटिक इमेज आपकी इतने सुंदर व्यक्ति, उसके बाद कड़वाहट जो पैदा हो गई है मीडिया में की वजह से हो या किसी वजह से भी हो, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका व्यक्ति तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जेलसी आप लोगों से किसी की है, ये कंपटीशन फिल्म इंडस्ट्री का है कि जहाँ 3 खान होंगे उसमें से एक खान तो एक ही खान तो किंग होगा? नहीं सर वो सर एक एक बादशाह एक किंग है, मैं जोकर हूँ सर, चलिए वो कंपटीशन भी इरेज कर देता हूँ सर। तो आप जोकर भी तो बड़ा कंपटीशन, जोकर के बिना तो ताश के पते चलते नहीं कई बार। चलिए अब चलिए दिस इज अ न्यू वे ऑफ लुकिंग, उसकी वजह से कहीं जोकर का मजाक तो नहीं उड़ाने लग गए लोग? नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं सर, जो देखिए सर जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनको हंसी आती है सर, हंसते दो ना सर। तो आपको सर हमको पता है सर हम क्या है सर? नहीं, 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 आपको तो हंसी आ रही होगी ना? हाँ सर मुझे हंसी आती है, उन पे हंसी आती है जो मुझ पे हंसते हैं सर, जो मेरे साथ हंसते हैं सर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो मुझ पे हंसते हैं मुझे उन पे हंसी आती है ये लोग ये तो समझे ही नहीं हमें। पर एक चीज आती है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बड़े सितारे जो है वो आपके साथ खड़े नहीं हुए, शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसे व्यक्ति थे जो खड़े हुए कहीं जाकर के या कुछ और हुए। अरे अमेजिंग मैन सर। तो पर आपको लगा नहीं कि बाकी छोटे छोटे लोग तो आए दोस्त जा रहे हैं, पर सलमान के साथ बड़ी हस्तियां निकली, ना किंग खड़ा हुआ ना बादशाह खड़ा हुआ ना कुछ और खड़ा हुआ। देखिए सर सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है लाइफ की सर,
जो मेरी प्रॉब्लम है, जो मेरे लिए सीरियस प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं सलमान है झेलेगा, ठीक है, डोंट वरी। फोन आते हैं सर मुझे, आई ओनली टेल देम नॉट टू कम, क्योंकि खामा खाम मैं चल रहा हूँ एक कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर, खामा खाम मैं इनको क्यों गुस्से हूँ। इफ आई लव देम, बोलते हैं ना कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डील, मैं कैसा आदमी हूँ जब मैं नीड में मुझे कोई नहीं चाहिए, ये मेरा मसला है, मैं आई विल सॉर्ट आउट माई ओन प्रॉब्लम, जब मैं इस प्रॉब्लम से निकलूंगा तब मैं आके आपसे मिलूंगा। तो आपको लगता नहीं कि आपकी उम्र शायद अभी 25-26-27 साल होगी? नहीं सर, मेरी उम्र है सर, मैं आपसे कुछ 1-8 साल छोटा ही हूँ सर। सर मेरी उम्र तो मैंने बताई नहीं आपको। पर आपको लगता नहीं कि इस 16-17 साल में जो नंबर वन की दौड़ चल रही है उसके अंदर एक्टिंग ज्यादा रोल प्ले करती है या पब्लिसिटी ज्यादा रोल? सर मैं किसी भी चीज में पकड़ा जाऊंगा सर, एक्टिंग में नहीं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मैं एक्टिंग करता ही नहीं सर। नहीं करते आप? सर कहाँ करता हूँ सर एक्टिंग, आपने कभी मेरी पिक्चर नहीं देखी सर? नहीं, पिक्चर काफी देखी है, जैसे कि यहाँ पे हूँ वैसे पर्दे पे हूँ। अभी सलमान खान जो है नंबर वन क्यों नहीं कहलाते? इंटरेस्टेड नहीं सर मुझ में, जब आपने कहा कि ये मत बनिए ये बनिए, शिक्षा दी जाती है ना, माँ बाप भी कहते हैं सलीम साहब इतने मशहूर लिरिक्स रहे हैं, लिखते रहे सर, सर मेरी सलीम जी का नाम तो मैं बचपन से सुनता रहा हूँ सर, आपने क्या सोचा कि मेरे को इसकी तरह नहीं बनना और इसकी तरह बनना? सर मैं एक ही पीस हूँ सर, एक ही पीस है, एक ही सर, उसके बाद वो डाइट तोड़ दिया ऊपर वाले ने। आप कह रहे हैं ना कि दोस्त दोस्त है कि माँ बाप कहते हैं बेटा इसकी तरह मत बनना, इसकी तरह बनना। नहीं सर, एक एक बार मेरे जावेद मत बनना, सलीम बनना। दोनों ही अच्छे हैं सर, पार्टनरशिप टूट गई तो क्या है सर, दोनों ही अच्छे हैं। मैं आपसे पूछा दिलीप कुमार बनना या राज कपूर नहीं बनना? सर मेरी लाइफ की एक एक प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट ये था कि सर मेरे लाइफ में कोई हीरो नहीं थे, उससे दो चीज है सर कि अगर मैं हीरो बन गया और अगर मैं हूँ वैसे पूरी दुनिया है कि जिसका कोई हीरो नहीं है, तो वो जाके मेरी पिक्चर क्यों देखेंगे, उससे एक थोड़ा सा घबराहट हुआ करता था मुझे। सो उससे और उसका प्लस पॉइंट ये है कि क्योंकि कोई हीरो नहीं था तो ऑलवेज ट्राई टू डू बेटर देन माई सेल्फ, जो मेरी कॉम्पिटिशन है तो वो सिर्फ मेरे साथ ही है और किसी के साथ नहीं है, और उसी को इतना भी नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ, उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊँ, एज अ पर्सन हु इज़ फेसिंग द कैमरा, एज अ पर्सन हु इज़ के एज अ ह्यूमन बींग, थोड़ा थोड़ा बिकॉज थोड़ा थोड़ा बढ़ाने में ईजी है, आपने 10 से आप सीधा 100 पे चले गए, यू कांट कीप अप दैट। तो आपने अपने सामने कोई रोल मॉडल नहीं रखा कि क्या करना है? रोल मॉडल है सर मेरे फादर, आपके फादर एंड माय मदर, और ये तो बहुत ही क्लीशेड साउंड करता है क्योंकि हर हर बेटा अपने माँ बाप की तारीफ करेगा, बट दिस इज और सलीम साहब का बेटा दोनों एक ही दौर से गुजर रहे एक तरह का, उसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आज हम बातचीत कर रहे हैं सलमान खान से। अब ये बताइए कि आपने फिल्म में आना कैसे शुरू किया, कैसे आया आपके फादर लेके? सर एक्चुअली तो मुझे डायरेक्टर बनना था और स्क्रिप्ट लेके घूमता था, बचपन में ही डायरेक्टर बनने का शौक। जी सर, असिस्टेंट था मैं और उसके पहले मॉडलिंग किया करता था, लेकिन उस वक्त ना हाइट थी, ना बॉडी थी, ना पर्सनैलिटी थी, तो और उस वक्त पिक्चरें बना करती थी मोहल्ले का दादा, पुलिस इंस्पेक्टर, लॉयर, तो ये सब इस जॉनर की पिक्चरें बना करती थी, उसमें मैं कहीं फिट नहीं हुआ करता था सर। शक्ल के हिसाब से तो आप सर? नहीं सर, एज अ फुल ग्रोन मैन आई यूज्ड टू वेयर 48 किलो सर। अच्छा जी सर, मतलब आप में से आधा निकाल लो, दैट वाज माय साइज। अच्छा, अभी भी तो 55 किलो के होंगे याद आ रहा है। अभी 80 किलो का हूं सर, पुष्ट नौजवान। डायरेक्टर बन सर, हीरो कैसे बन गया? सर जिस जिसके पास में जाता था स्क्रिप्ट लेके, बोलते टू यंग वरुण जी बिकम हीरो, फिर बहुत कोशिश की एज अ डायरेक्टर, नहीं हुआ। फिर मुझे एक पिक्चर ऑफर हुई, मैंने प्यार नहीं, बीवी हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी सर, मैंने स्क्रिप्ट सुन के मैंने वो पिक्चर साइन की और मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जब मैंने अपना काम देखा उस पिक्चर में तो मैंने दुआएं मांगी कि ये पिक्चर नहीं, आई थिंक आई विल बी द फर्स्ट पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ कि पहली पिक्चर के लिए एक आदमी दुआएं मांग रहा है कि ये पिक्चर कोई देखे नहीं, क्योंकि आई वाज सो बैड इन द फिल्म।
कि मुझे एम्बैरेसमेंट होगी। बीवी की वजह से या अपनी वजह से? नहीं, मेरी वजह से। बीवी होता है ना। रेखा जी थी सर इस पिक्चर में, और उसके बाद फिर आई मैंने प्यार किया, उसके बाद और उसके बाद तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, देयर इज नो लुकिंग बैक। एक 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 ऐसा दौर आया था बीच में जहाँ पे मैंने काम हम छोड़ दिया था, एंड आई वाज जस्ट पार्टिंग एंजॉयिंग, और तो माय फादर कॉल्ड मी अप एंड ही सेड, एंड ही टोल्ड मी दिस व्हेन ही सॉ द रशेस ऑफ मैंने प्यार किया। सो ही वाज इन, इट वाज लेट इन द नाइट, आई वाज वेटिंग फॉर हिज रिएक्शन इन द रूम, आई स्टिल रिमेंबर इट। और मुझे इनका उनका रिएक्शन जानना बहुत जरूरी था मेरे लिए, तो करीबन 2:30 बजे की बात थी रात को, माय मदर केम टू द रूम एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर, दिस इज कम हियर, दिस इज, तो क्या लगता है तो स्टार बनेगा? गाइस आई डोंट नो डैडी, आप मुझे बताइए, दिस इज, हाथ लगाया मेरे को, दिस इज, यू गोइंग टू बी अ कल्ट फिगर एंड इफ देयर इज एनीबॉडी हु कैन फाउल इट अप फॉर यू, इट्स यू। God doesn't want that to happen. We don't want it to happen, and neither your fans will want it to happen. So, agar if there's anybody who is going to mess it up, is you. ये बात वापस से उन्होंने मुझसे कही 4-5 साल पहले। इसे याद है बेटा, मैं तेरे को एक बार क्या कहा था? He said, "There's anybody who can mess it up for you. It's you. Just look to them." I swear, God, remember my reaction. I did that, and I went down, and I said, "Now watch." It is very, very important, sir, के ये जो energy, positive energy. अपने fault के लिए आप responsible होंगे, ये पहले से उनको पता लगता था। तो आपकी nature के बारे में थोड़ा जानते थे। तो and अरबाज, मेरा छोटा भाई, मेरे पास आया, इसे अगर गब्बर को कोई मार सकता है, तो गब्बर खुद। So those are two statements that made such a effect on my life. Okay. And I said, and at that point of time in my life, I said that I want to start working once again. वैसे पंचर थोड़ा लाइफ में भी तो आपके हुआ ना, आपको कुछ जिंदगी में मिला, कुछ नहीं मिला पर्सनल लाइफ में? अरे सर, आपके कुछ नहीं है सर, फैमिली, माँ बाप अलाइव, 71, 67, और बीवी भी तो होनी चाहिए ना एक सर, वो आ जाएगी सर। नहीं पर उसकी जो पहले आई तो वो क्यों छोड़ चली गई? अरे सर, अब सर They didn't like me that much, sir. क्यों? आपका कसूर था क्या? So, शायद मेरा ही कसूर होगा, sir. और कितने तो क्यों छोड़ के जाते हैं, sir? इश्क किसको नहीं होता? अच्छी बात है, sir. अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, sir. तो सवाल ये है कि आपका एक इश्यू क्यों बन जाता है? कोई आपको पब्लिक में गाली दे देता है, कोई आपको इश्यू बनाता है, पब्लिक स्टेटमेंट दे देता है, ये जैसे आपके पास ये पेपर है सर जी, हाँ ये पेपर है, अब ये पेपर कोई खरीदेगा सर? अब यहाँ पे जब पिक्चर आएगा और यहाँ पे कुछ नेगेटिव लिखा होगा, कुछ ऐसा होगा, तो आप देखेंगे यार कितने का ले लेंगे। सिंपल सी बात है सर। नहीं, मैंने कहा ना कि अफेयर तो हर राज कपूर जी के बारे में कहा जाता था, दिलीप कुमार के बारे में भी कहा जाता था, अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जाता था, तो सलमान खान और जब ऐश्वर्या राय की बात आती है, मैं नाम ले रहा हूँ इस वक्त, तो परेशानी क्यों होती है फिर? किसको होती है सर? मतलब इतना क्यों करंट इशू बन जाता है सर? सर मुझे तो नहीं मालूम सर, और हालांकि मैंने आज तक अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कभी बात की नहीं और नहीं करूंगा, क्योंकि सर मैं अपने आप को जस्टिफाई करने जाऊंगा तो मैं किसी को नीचा दिखाऊंगा, वो मैं दिखाना नहीं चाहता सर, अबव ऑल दिस। तो आपको लगता है कि जो आपके बीच में था ऐश्वर्या और आपके रिलेशनशिप जो भी हुआ, उसका अंत हुआ जैसे भी हुआ, उसके लिए आप जिम्मेवार है ना? जी सर, मैं जिम्मेदार हूँ। तो उनके ऊपर आप लाइक ए नाइस पर्सन, की दिल के अच्छे हैं? नहीं, बट इट इज पीपल मूव ऑन सर, पीपल मूव ऑन, पीपल फाइंड न्यू पीपल इन देयर लाइफ, योर लाइफ जर्नी इज योर लाइफ जर्नी ओनली सर। जो महिलाएं आपके जो आपके जिंदगी में आई, जो चली गई, तो उसमें आपको रिग्रेट नहीं? सर क्या है कि लाइफ इज मेड अप ऑफ, लाइफ इज फ्रॉम नोवेयर टू नोवेयर, व्हिच इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स सर, नाउ एंड हियर। जो ये यहाँ पे है, जो आज है, अभी बस है, वही है सर, और ये अभी इज पासिंग बाय बाय द सेकंड। तो हर चीज सर, आपको रिग्रेट नहीं है कि छोड़ के चले गए आपको लोग? कौन सर आपके, अब नाम क्या? अरे सर बोलते ना कि अनलकी इन लव इज द लकीस्ट पर्सन इन लव सर, सो ही गेट्स टू लव अगेन एंड अगेन एंड अगेन।
अच्छा मतलब इसी में भी आप अपना बेनिफिट देखते हैं कि एक नहीं तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। ऐसा नहीं है सर, अगर वो होता था सर अभी तक तो है तो वही लाइफ में, तो वही है लाइफ में। अब नाउ सी फॉर एग्जांपल आई एम मैं 41 का हो गया हूं सर, तो मतलब अगर आज अच्छा नहीं तो एंड माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड वाज व्हेन आई वाज आई थिंक अबाउट 15 साल। तो अगर एवरेज भी पकड़ ले तो इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम सर, आई एम नॉट वन ऑफ दोस पीपल। कितनी गर्लफ्रेंड्स रही इधर आपकी? सारी सुंदर होंगी, वर्ल्ड मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स सब वही है। नहीं सर ऐसा नहीं सर, कॉलेज से थी सर एंड दे वर ऑल लाइक पीपल हु आई रियली रियली लव एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। अगर उनमें से वापस आपकी लाइफ में कोई आ जाए दोबारा से? सो दे फ्रेंड्स, दे ऑल फ्रेंड्स सर, नॉट वन पर्सन। या नॉट वन पर्सन, आई एग्री, तो वो तो देयर हैज टू बी एन एक्सेप्शन ना सर। मतलब आप कहें कि बाकी में दोस्ती होगी सर, आप उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं सर। कैसे मैं देखा आपकी पर्सनालिटी में सर, तो फिल्म इंडस्ट्री में ये सब कंपटीशन इतना जो है जी सर, जिसमें आपने पहले का कोई खड़ा नहीं हुआ आपके साथ, कंट्रोवर्सी हुई, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन रहे लोगों के, और संजीव फंसे हुए बेचारे इतने अच्छे एक्टर हैं और आप भी फंसे रहे कंट्रोवर्सीज के अंदर। ये फिल्म में जो फ्रेंडली होनी चाहिए वो क्यों नहीं दिखाई देती? सबके बच्चे। कौन सा फिल्म एक्टर आपको लगा आपकी लाइफ में कि जो एक आपके लिए मॉडल है, जिस तरह का एक्टिंग आप करना चाहिए, कौन सा आपको लगा? सर आई फील धर्म जी सर, धर्म जी सबसे बढ़िया आपको लगा अभी तक? आई फील धर्म सर एंड द बेस्ट डायरेक्टर सर, माय बेस्ट डायरेक्टर इज माय फर्स्ट डायरेक्टर सर सूरज बड़जात। सबसे अच्छी फिल्म एक्ट्रेस कौन है इंडस्ट्री में? सर माय बायस नहीं, ऑल टाइम फेवरेट हेमा जी। हेमा जी ऑल टाइम फेवरेट। करंट क्रॉप में? हां, देयर इज देयर इज रानी, देयर इज प्रीति एंड एज वर्क इज कंसर्न ऐश्वर्या, एक्टिंग और वर्क में डिफरेंस होता है? मतलब कि वर्क इज एक्टिंग है, देयर इज इन दैट ऑर्डर रानी प्रीति ऐश्वर्या। या व्हिचएवर दे ऑल इक्वल, देन देयर इज आल्सो प्रियंका हु इज वेरी गुड एंड देयर इज द न्यू गर्ल्स इज लारा, देयर इज कैटरीना, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी गुड एंड कमिंग अप। अभी आप ये तो सारे इकट्ठे नाम ले, मैं तो एक तो फर्स्ट तीन नाम तो आपने दे दिए ना, कि आपके हिसाब से अच्छी एज एन एक्टर, जैसे कि एक्टर रानी मुखर्जी, रानी मुखर्जी नंबर दो आपने कहा प्रीति, नंबर तीन ऐश्वर्या राय। तो जैसे वो ऐसा नहीं होता सर, जिस रोल में तीनों को आप टॉप में मानते हैं? हाँ सर, तो इसके हिसाब से मानते हैं। अगर आपको फिर मौका मिलेगा इन तीनों के साथ काम करेंगे ना? सर मुझे काम करने का कोई प्रॉब्लम नहीं सर, डिसीजन सर मैं तो कर चुका हूँ अभी, एक रानी प्रीति के साथ पिक्चर कर चुका हूँ सर, वो डिसीजन मेरा नहीं था सर, वो प्रोड्यूसर का डिपेंड करता है। हाँ सर, मतलब ये जो एक्ट्रेस का भी डिपेंड करता है। जी सर, तो आपको मौका मिला फिर इन तीनों में से आप काम करना पसंद करें? सभी कर रहा हूँ सर, रानी के साथ बाबुल कर रहा हूँ, प्रीति के साथ जाने मन कर रहा हूँ सर। आपका महिलाओं के साथ टकराव क्यों रहता है लाइफ में? महिलाओं सर, महिलाओं जो आपकी लाइफ में आ जाती हैं, जैसे ऐश्वर्या राज का टकराव हुआ ना आपका? जी सर, जी सर। क्यों टकराव था? सर वो मेरी दोस्त थी सर, अभी दोस्ती नहीं रही सर, इतनी सी बात है। दोस्ती के अलावा मतलब दोस्ती तो हर किस्म उस तरह की दोस्ती तो बहुत लोगों से नहीं करते ना, हर कन्या से नहीं सर। नहीं सर, तो इट वॉज मोर देन दोस्ती ना? हाँ सर, जैसे आप मानना चाहें सर। नहीं नहीं, दिल की बात थी ना कहीं ना कहीं सर। अब वो है नहीं सर लाइफ में, काय को उनकी बात करें, क्योंकि सर अब उनकी लाइफ है, वो आगे जाएंगे सर, वो आगे जाएंगे सर, वो एक बात भूल चुके हैं, वो सब आगे जाते हैं लाइफ के अंदर सर, फिर ये बात वापस से आए तो वो तो एक जो इतिहास में लिखा गया। हाँ लेकिन नाम जो है एक वो एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड। सो मेरे लिए सर, उनके लिए सर, ठीक है, लाइफ गोज ऑन सर, लेट देम व्हेन When eventually, bitter experience था ना? हाँ, bitter experience. No sir, no. Sir, you have fights, so you break up. You don't get along, so you break up. Sir, ये image कि आप हाथापाई करते हैं, physical हो जाते हैं, ये सब गलत लगता है मेरे को। आपकी शक्ल देख के गलत लगता है। Sir, देखिए sir, अगर मैं हाथापाई करता होता, जैसे ये, ऐसा नहीं करते थे। Sir, वो ऐसा करते थे। Sir, वो कोई झेल सकता है sir? नहीं झेला ना इसमें। ये सब इस तरह का प्रचार गलत होता है ना, ये टकराव जो आपने कहा सर, टू मेक समथिंग, आप टकराव में विश्वास करते हैं सर, टू मेक समथिंग इंटरेस्टिंग, किसी चीज को दिलचस्प बनाने के लिए छोटी सी बात को उसको, उसके बाद मैं आपको कि अब आप सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि फैमिली लाइफ के अंदर सर, ये सर ये आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सर, ये कहते हैं कि ऊपर वाले के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता सर। अब नेक्स्ट 5 सेकंड्स में क्या होने वाला है, अगले 10 सेकंड में क्या होने वाला है,
यहाँ से शूटिंग पे जाऊंगा, क्या आने वाला है सर, किसी को कुछ पता नहीं, तो इतनी लंबी प्लानिंग करके आपके साथ फ्रेंड जो आपकी हैं, आपके साथ हर मुसीबत में खड़ी हुई हैं जी सर। तो इतना मैंने जोधपुर में जब देखा, कई बार देखा, सबसे पहले पहुंची आपके पास, तो ये तो एक केमिस्ट्री है ना जी सर। वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर इन चीजों के ऊपर बात करूँ तो जिंक्स हो जाती है सर, तो इसलिए आई जस्ट कीप दैट। उनकी भी लाइफ है सर, पिक्चरें करते हैं हम लोग सब, यू नो इट्स इट शुड बी जस्ट, जब हो जाएगी तो सर आपको मैं पहले बताऊंगा सर। अच्छा, वो तो आप मेरे को बुलाएंगे ना जब? जी सर, ऑफकोर्स, इनवाइट तो आएगा ना मेरे पास भी आएगा जब हो जाएगी। पर एक बात है, सर अगर आपको नहीं बुलाऊं तो किसको बुलाऊंगा सर? आप पता नहीं, भूल जाते हैं लोग, बड़े बड़े लोग आप उनमें से है ना, कौन जाते हैं, इतने फैन है आपके। मैं जिस दिन बड़ा हो जाऊंगा सर भूल जाऊंगा, भूल जाएंगे। तो एक बात, आपने जो शरीर की बात की, बॉडी बिल्डिंग का, लोग समझते हैं कि आप बॉडी ऐसे एक्टर हैं जो हमेशा बॉडी दिखाते रहते हैं जी सर, तो ये बॉडी बिल्डिंग का सर क्यों आपके दिमाग में कैसे घुसा गया सर? जब आप, अगर आपको हीरो बनना है या आपको कुछ भी करना है, आपको प्रेजेंटेबल दिखना है सर, ये विजुअल मीडियम है, तो जब जब तक आप अपने आप को आईने में नहीं देख सकते, दूसरे कैसे देखेंगे सर? तो उसके लिए सो यू हैव टू, एंड देन हेल्थ वाइज यू फिट, आपके मसल स्ट्रांग रहते हैं, तो आप 70, 80, 85, 90, 92, 90, 100, 150 तक आप खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं। सो फॉर दैट सर इट इज बेसिकली, एंड और मुझे शौक है इन चीजों का। और आप गुस्सा नहीं आएगा ना? अरे सर गुस्सा क्यों आएगा सर? गुस्सा आपको आता नहीं, आता अब तो नहीं आएगा ना कोई गुस्सा? सर ये मेरी नई टेक्निक है सर, गुस्सा दिखाने की, महज देता हूँ। आप ऐसे ऐसे गुस्सा दिखा दे रहे हैं, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की मुलाकात, सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की, इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।